इंजन के सिलेंडर में जब एयर फ्यूल का मिक्सचर इस सिलेंडर में आता है तो इसको जरूरत होती है एक चिंगारी की जो इस फ्यूल को जला सके, और यहाँ पर काम होता है स्पार्क प्लग का। यदि स्पार्क प्लग नहीं होगा तो सिलेंडर में आग नहीं जलेगी और पिस्टन पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो स्पार्क प्लग बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग को काम में लेकर फ्यूल को इग्नाइट करने का काम करता है। जब स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है तो इसको 15 से 20 हजार वोल्ट की जरूरत होती है और गाड़ी सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है, तो इतना वोल्टेज कहां से लाया जाए? इसके लिए स्पार्क प्लग को इतना वोल्टेज देने का काम करती है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल एक ट्रांसफार्मर ही होता है जो बैटरी से मिल रहे 12 वोल्ट को बहुत हाई वोल्टेज में बदल देता है। इस कॉइल के बीच में एक आयरन की कोर होती है कुछ इस टाइप की, और इस कोर के चारों तरफ सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को सेट किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 टर्न ही होते हैं। अब प्राइमरी वाइंडिंग को सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है बैटरी से, तो इस वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एक कैपेसिटर और कॉन्टेक्ट ब्रेकर को साथ में लगाते हैं। कैपेसिटर और कॉन्टेक्ट ब्रेकर बैटरी से मिल रहे 12 वोल्ट को बढ़ाकर प्राइमरी वाइंडिंग में 300 वोल्ट तक पहुंचा देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में सेकेंडरी वाइंडिंग को सेट किया जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में 20 से 21 हजार नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कुछ इस टाइप से। दोस्तों, नंबर ऑफ टर्न से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब वायर को एक राउंड लगा दिया जाता है तो एक टर्न हो जाता है, दो लगा दिए जाते हैं तो दो टर्न हो जाते हैं। इस तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में 20 से 21,000 टर्न होते हैं, और जब हम वाइंडिंग को बनाते हैं उस टाइम इनको फिक्स कर लेते हैं कि कितने टर्न हमें कौन सी वाइंडिंग में लगाने हैं। जब प्राइमरी वाइंडिंग में बैटरी से सप्लाई दी जाती है तो इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी वाइंडिंग के पास में भी पहुंचेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। जब हमने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बात की थी तो इस वीडियो में मैंने इस कैलकुलेशन के बारे में बताया था, और हल्का सा मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देखना। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है 300, यही N1 है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है 21,000, यही N2 है। प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज V1 300 वोल्ट है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज हमें निकालना है। सिंपल सी कैलकुलेशन करने पर हमें वोल्टेज मिल जाएगा 21,000 वोल्ट। इस तरीके से इग्निशन कॉइल बैटरी से 12 वोल्ट को लेकर 21,000 वोल्ट तक बढ़ा देती है, और यह वोल्टेज जाता है स्पार्क प्लग के पास में जो सिलेंडर के ऊपर लगा रहता है। स्पार्क प्लग के बीच में सेंटर इलेक्ट्रोड होता है। यह इलेक्ट्रोड निकेल या प्लेटिनम का बना होता है, और इसी इलेक्ट्रोड से 21,000 या इससे भी ज्यादा वोल्टेज फ्लो करता है। और आज के टाइम में आपको पता है गाड़ियों में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटरनेट फैसिलिटी, और इन वायरलेस फंक्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव भी होती है, और यह वेव इस हाई वोल्टेज को इंटरफेरेंस कर सकती है। इसलिए इस सेंटर इलेक्ट्रोड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जो बाहर से मिल रहे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को खत्म करने का काम करता है। दोस्तों, आज के टाइम में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रैक्टिकल चीजें कम है और थ्योरी ज्यादा है, और यह सिस्टम हमें मजबूर कर देता है 10 से 12 हजार की नौकरी करने के लिए या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई बेहतरीन स्किल होती ही नहीं है, और डिग्रियां आज के टाइम में कोड़ियों के भाव बिक रही है। लेकिन इंडियन इंडस्ट्री में आज एक ऐसी स्किल है जो एक्सप्लोड कर रही है, और उसका नाम है 3D एनिमेशन। आप उन यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हो जो 3D में अपना कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, उनकी ग्रोथ कितनी जबरदस्त है, और ऐसा लाइफ अड्डा के साथ में भी है। इस बेहतरीन 3D एनिमेशन की स्किल को आप भी सीख सकते हो, और हमने इस कोर्स की फीस सिर्फ आपके फोन रिचार्ज के बराबर रखी है। अब दोस्तों, सोचना आपको है कि इस एनिमेशन को देखना चाहते हो या क्रिएट करके अपनी लाइफ सेट करना चाहते हो। एक बात का ध्यान रखना, आज के टाइम में फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ स्किल्स का ही है, डिग्रियों का कोई फ्यूचर नहीं है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस पॉइंट पर आते हैं। 21,000 वोल्ट बहुत ज्यादा है तो यह कार में बैठे हुए लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सेंटर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेरेमिक से बना हुआ इंसुलेटर लगा रहता है। यह इंसुलेटर हाई प्रेशर और टेम्परेचर को सहन कर सकता है, क्योंकि जब स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट करता है तो सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जलता है, जिससे एक धमाका होता है, और इस धमाके में कंप्रेस हुई गैसेस पिस्टन पर फोर्स लगाती है और पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, और पिस्टन क्रैंकशाफ्ट पर फोर्स लगाता है और क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लग जाती है।
तो जब सिलेंडर में धमाका होता है तो ये फोर्स स्पार्क प्लग पर भी लगता है और कहीं से सिलेंडर में गैस लीक ना हो जाए इसलिए इंसुलेटर हाई प्रेशर और टेम्परेचर को सहन कर सके ऐसी प्रॉपर्टीज इसको दी जाती है। इंसुलेटर के चारों तरफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड लगा रहता है जो लोहे का बना होता है और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के चारों तरफ थ्रेड्स भी बने रहते हैं जो सिलेंडर के ऊपर स्पार्क प्लग को टाइट करने में काम आते हैं। अब जो स्पार्क प्लग का वर्किंग प्रिंसिपल है वह रियली में कमाल का है। सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में हल्का सा गैप रखा जाता है। जो सेंटर इलेक्ट्रोड होती है वह पॉजिटिव का काम करती है और ग्राउंड इलेक्ट्रोड नेगेटिव का, और ग्राउंड इलेक्ट्रोड सिलेंडर के साथ में टच रहती है और सिलेंडर इंजन से और इंजन कार की बॉडी से। इसलिए आपने देखा होगा कि कार की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को कार की बॉडी से टच किया जाता है ताकि नेगेटिव के लिए हमें अलग से वायर ना लगाना पड़े। कार की बॉडी ही नेगेटिव वायर का काम करती है। आप घर पर ट्राई करना किसी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हम टच करते हैं तो एक स्पार्क जनरेट होता है, लेकिन वहां पर जब हम दोनों वायर को टच करेंगे तभी स्पार्किंग होगी। लेकिन स्पार्क प्लग में बहुत हाई वोल्टेज होता है और इतने वोल्टेज के पास में नेगेटिव वायर को ले जाएंगे तो टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही स्पार्किंग होने लग जाएगी। तो जब सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर ऊपर की तरफ कंप्रेस हो जाता है तब स्पार्क प्लग में सप्लाई दी जाती है और जैसे ही सप्लाई दी जाएगी तो एक जबरदस्त स्पार्क क्रिएट होगी और यही स्पार्क फ्यूल में आग लगा देगी और स्पार्क प्लग की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद की प्रोसेस आप इस वीडियो को देख कर समझ सकते हो जिसमें मैंने डिटेल से बताया है फोर स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। अब इतने हाई वोल्टेज की वजह से स्पार्क प्लग का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली स्पार्क प्लग कंबसन चैम्बर में टेम्परेचर को बढ़ाते नहीं है बल्कि कम करते हैं। जो हाई स्पीड कार आती है जैसे स्पोर्ट्स कार, उनमें इंजन बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है जिसकी वजह से उनका इंजन बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो उनमें लगे हुए स्पार्क प्लग में इंसुलेशन की लेंथ कम होती है जिसकी वजह से हीट जल्दी बाहर निकल जाती है और स्पार्क प्लग कंबसन चेंबर में अनवांटेड हीट को बाहर निकाल देता है, इसलिए इनको कोल्ड स्पार्क प्लग भी बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी कार जिसकी स्पीड नॉर्मल है, इंजन के आरपीएम भी ज्यादा नहीं है, तो उनमें हॉट स्पार्क प्लग लगा रहता है जिनमें लॉन्ग इंसुलेशन होता है जिसकी वजह से इनको कूल होने में टाइम लगता है। तो स्पार्क प्लग हर कार के इंजन के हिसाब से लगाया जाता है। स्पार्क प्लग की एक लाइफ होती है, जिन स्पार्क प्लग में सेंटर इलेक्ट्रोड निकेल की लगी रहती है उनमें 30,000 किलोमीटर के बाद में स्पार्क प्लग को बदलना पड़ता है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से 3D एनिमेशन के कोर्स को जरूर से ज्वाइन करना। अपन सब मिलकर 3D कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। हमारे जैसे साइंस से जुड़े हुए चैनल को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों।